This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. For yummy foods and adventurous trips, subscribe Yummy Foodpath. धर्मशाला के सफेद पहाड़ों की गोद में शहर के शोर से दूर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, हरियाली और कुदरती सुंदरता के बीच कौन नहीं गुजारना चाहता है वक्त। हम सभी दोस्तों ने अपने अपने घरों में एक अलसाय से वीकेंड बिताने की जगह पहाड़ों की रोमानियत, रोमांच और सादगी को जाने की योजना बनाई। तलाश हुई एक ऐसी मंजिल की जहां मन को सुकून मिले और यादों के एल्बम में कुछ नई तस्वीरें, जानकारियां शामिल कर सके। हमने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के उत्तर पूर्व में स्थित कांगड़ा घाटी के प्रवेश द्वार, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की शरण स्थली और भारत का छोटा ल्हासा माने जाने वाले धर्मशाला जाना तय किया। आनंदपुर साहिब में पड़ाव। नई दिल्ली से धर्मशाला की दूरी करीब 514 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते एवं विकल्प हैं। सड़क मार्ग से 12 से 14 घंटे लगते हैं। हम रात्रि पहर निजी वाहन से सफर पर निकले। पूरी रात सड़क के सन्नाटे और नींद के आगोश में डूबे शहरों से गुजरते हुए बीत गई। अलह सुबह हमारा पहला पड़ाव आनंदपुर साहिब था। ये वही स्थान है जहाँ देश के प्रसिद्ध आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। मान्यता है कि सन 1664 में श्री गुरु तेग बहादुर द्वारा महाकवाल के प्राचीन क्षेत्र में बने इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं की मुराद पूरी होती है। इस गुरुद्वारे के आसपास सफेद चादर ओढ़े पूरा शहर एक अजीब सी शीतलता एवं पवित्रता का एहसास दिलाता है। स्वागत करेगा धौलाधार पर्वत। आनंदपुर साहिब से धर्मशाला पहुंचने में अभी करीब 3.25 घंटे की यात्रा शेष थी, लेकिन अच्छी सड़कों ने थकावट महसूस नहीं होने दी। रास्ते में चाय नाश्ते के लिए भटकना नहीं पड़ा। छोटे छोटे ढाबों में क्षेत्र विशेष का स्वादिष्ट व्यंजन चखने को मौका मिलता गया। जल्दी हमें सफेद हिमालय का नजारा भी देखने को मिल गया। दरअसल धर्मशाला की पृष्ठभूमि में बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला इस स्थान के नैसर्गिक सौंदर्य को अति रमणीक बना देती है। घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ओक और शंकुधारी वृक्षों से भरे जंगलों के बीच बसा यह शहर कांगड़ा घाटी का अति मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के घने जंगल, सेब के बाग पर्यटकों के लिए प्रकृति की गोद में होने का खूबसूरत एहसास कराते हैं। खूबसूरत है धर्मशाला स्टेडियम। पिछले कुछ वर्षों में धर्मशाला अपने सबसे ऊंचे और खूबसूरत क्रिकेट मैदान के लिए सुर्खियों में रहा है। इस स्टेडियम में पहला मैच 2013 में खेला गया था। यहां करीब 23,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य में स्थित होने के कारण ये वेन्यू भी और आकर्षक प्रतीत होता है। विशाल ग्राउंड में इस्तेमाल किए गए राई ग्रास और छोटे छोटे स्टैंड इस स्टेडियम की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तिब्बती संस्कृति। धर्मशाला दो हिस्सों में बटा है, अपर एवं लोअर धर्मशाला। 1959 में इसे एक अलग पहचान मिली थी जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा एवं उनके अनुयायियों को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मशाला के ऊपरी क्षेत्र मैक्लोडगंज को अपनी रिहायशी बनाने की अनुमति दी थी। 1960 से दलाई लामा यहीं से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन कर रहे हैं। इस कारण आज हजारों तिब्बतियों ने इस क्षेत्र को अपना निवास स्थान बना लिया है। जब आप समुद्र तल से करीब 1030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मैक्लोडगंज के छोटे से कस्बे से निकलते हैं तो बौद्ध मठों, मंदिरों, स्कूलों से लेकर बाजारों में तिब्बती कला एवं संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इसके अलावा सुबह और शाम मठों एवं मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा किए जाने वाला मंत्रोच्चार आपको इस अनूठी आध्यात्मिक शांति देता है। दलाई लामा के द्वार। दलाई लामा मंदिर यहाँ से सबसे प्रमुख आकर्षण है, जहाँ शाक्य मुनि, अवलोकितेश्वर एवं पद्म संभव की मूर्ति है। यहाँ की नामग्याल मॉनेस्ट्री भी मशहूर है। दलाई लामा मंदिर में बौद्ध धर्म से संबंधित सैकड़ों प्राचीन पांडुलिपियों को देखने में आपने अपना अलग ही मजा है। मंदिर परिसर में सूर्यास्त के अद्भुत नज़ारों को यादों में कैद किया जा सकता है। पास ही स्थित है तिब्बती संस्कृति एवं सभ्यता को प्रदर्शित करता एक पुस्तकालय। दलाई लामा यहाँ वर्ष में एक या दो बार ही आते हैं। भाग सुनाग वाटरफॉल। प्रकृति ने धर्मशाला को ठंडे पानी के झरने, झील सब कुछ दिया है। दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच बने ऊंचे नीचे घुमावदार रास्ते पर्यटकों को ट्रैकिंग का भरपूर मौका देते हैं। पहाड़ी से झूलते हुए छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में मोमोज, चाउमीन एवं प्राकृतिक पेय पदार्थों का आनंद लेने का अपना एक अलग रोमांच है। जब आप मैक्लोडगंज बाजार से करीब 2 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो शिवाजी का प्राचीन भाग सुनाग मंदिर है।
यहीं एक छोटी सी झील है जिसे काफी पवित्र माना जाता है। मंदिर से कुछ दूर आगे बढ़ने पर भागसुनाग झरना है जिसका पानी निर्मल होने के साथ ही अत्यधिक ठंडा होता है। बावजूद इसके आप यहाँ घंटों पत्थर पर बैठकर झरने की फुहारों का आनंद ले सकते हैं। अगर थोड़ी और ऊंचाई पर और जाने के ट्रैक का हौसला रखते हैं तो इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक शानदार कैफे है। यहाँ बैठकर वेस्टर्न एवं इंडियन म्यूजिक ही दोनों के साथ गर्म कॉफी एवं भोजन का मजा कुछ और ही होता है। नड्डी पॉइंट से देखिए सूर्यास्त। मैक्लोडगंज के कोलाहल से परे नड्डी एक छोटा सा शांत गांव है। समुद्र तल से 7,152 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गांव के उत्तर में धौलाधार पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण में हरियाली से परिपूर्ण कांगड़ा घाटी। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर ट्रैक तय करना पड़ेगा या फिर स्थानीय टैक्सी या ऑटो की रिक्शा से भी पहुंचा जा सकता है। यहां से सूर्यास्त का अप्रतिम दृश्य देखने को मिलता है। सेलेब्स का फेवरेट रेस्टोरेंट। मैक्लोडगंज में मैक्लो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो क्रिकेटर से लेकर फिल्मी सितारों तक का पसंदीदा हैंगिंग पॉइंट है। रेस्टोरेंट ओनर पंकज चड्ढा के अनुसार प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर से लेकर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, एडम गिलक्रिस्ट आदि जैसे सेलिब्रिटीज यहां आते रहते हैं। रेस्टोरेंट में इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज के अलावा तिब्बती कुजीन सर्व किया जाता है। यहाँ की तिब्बती डपलिकिंग विशेष लोकप्रिय है। खरीदारी का लुत्फ। शॉपिंग के शौकीन मैक्लोडगंज से सुंदर तिब्बती हस्तशिल्प कपड़े, थांगड़ा, थांगका और हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इसके अलावा विविध प्रकार के एक्सपोर्ट क्वालिटी कांगड़ा चाय, तिब्बती शैली में बने अचार चटनियां, सेब से बनी बियर ले जाना ना भूलिए। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हिमाचली पश्मीना शॉल व कॉर्पेट मिलते हैं। कैसे जाएं? वायुमार्ग। कांगड़ा का गगल हवाई अड्डा धर्मशाला की नज़दीकी एयरपोर्ट है जो धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के बाद बस या टैक्सी ले सकते हैं। रेल मार्ग। नज़दीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट यहां से 95 किलोमीटर दूर है। वैसे पठानकोट और जोगिंदर नगर के बीच गुजरने वाली नैरो गेज रेल लाइन पर स्थित कांगड़ा स्टेशन से धर्मशाला 17 किलोमीटर दूर स्थित है। सड़क मार्ग। चंडीगढ़ दिल्ली, होशियारपुर मंडी, मंडी आदि से हिमाचल रोड परिवहन नगर निगम की बसें धर्मशाला के लिए नियमित रूप से चलती है। उत्तर भारत के प्रमुख शहरों से यहाँ की सीधी बसें भी सेवा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट और कनाट प्लेस से धर्मशाला के लिए बस ले सकते हैं। कब जाइए? धर्मशाला में मार्च से जून तक की गर्मियों में तापमान 22 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन शाम ढलते ही ठंडक का एहसास होने लगता है। मानसून के दौरान काफ़ी बारिश होती है जबकि सर्दियाँ अत्यधिक ठंडक के लिए होती हैं। तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक के भी नीचे चला जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं और दृश्यता भी कम हो जाती है, इसलिए धर्मशाला के घूमने के लिए जून से सितंबर के महीने सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। आप यहां के आलिशान होटलों से लेकर होम स्टे या कॉटेजेस में रह सकते हैं।